नमस्कार दर्शकों, एसएन न्यूज की टीम पहुंची है सतलोक आश्रम धनुषा नेपाल में। यहां पर संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में संत गरीबदास जी महाराज जी के बोध दिवस के उपलक्ष में विशाल भंडारा और अखंड पाठ का आयोजन किया जा रहा है और इसके साथ में कुछ ब्लड डोनेशन भी किया जा रहा है आयोजन और साथ में दहेज मुक्त रमैनी भी किया जा रहा है। आगे अंदर चलकर देखते हैं किस तरह से यहाँ पर व्यवस्था किए हुए हैं। अभी हम कुछ श्रद्धालु से जानने का प्रयास करेंगे यहाँ पर किस तरह से व्यवस्था लगा, यहाँ पर जो भंडारा ग्रहण करने के लिए आए हुए थे तो हम जानने का प्रयास करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार। यहाँ पर जो आप भंडारा ग्रहण करने के लिए आए, कैसा लगा यहाँ पर? यहाँ पे तो वैसे ही कहते हैं कि ये परमात्मा का स्थान है, संत रामपाल जी महाराज सतपुरुष का। हम आए, ऐसा अनोखा भंडारा और ऐसा अनोखा समागम मैंने पूरे ज़िंदगी में कहीं भी नहीं देखा था। इतना व्यवस्थित, इतना सुंदर और इतने लोग यहाँ आए हैं, इतनी ज़्यादा भीड़ होने के बावजूद भी इतना शांति पूर्ण परमात्मा, मतलब परमात्मा की दया से ही हो सकती है। बहुत सुंदर लगा। यहाँ पर जो है सेवादार थे, यहाँ पर किस तरह से व्यवहार करते थे सेवादार लोग? यहाँ पे जैसे हमें ऐसा लगा कि कहते हैं ना, कुछ साल पहले गुलाम वाला व्यवस्था था, मतलब जो आते थे गुलाम इंसान को बनाते थे। यहाँ पे कोई गुलाम तो है नहीं, सब भगवान के गुलाम हैं, लेकिन गुलाम की तरह वो सेवा करते हैं, नम्र व्यवहार करते हैं, गर्दन झुका के स्वागत करते हैं। ऐसे बच्चे सब परमात्मा के ही हैं, वही पूर्ण परमात्मा संत का दिया हुआ ज्ञान है, जिससे इतना विनम्रता इनमें है कि अपने परिवार से भी ज़्यादा आदर सत्कार करते हैं। अभी जो यहाँ पर आए हुए हैं भंडारा ग्रहण किए, वो तो ठीक है, लेकिन अभी तक जो इस आश्रम में अभी तक भंडारा ग्रहण करने के लिए यहाँ पर नहीं आए हैं, उसे आप क्या संदेश देना चाहते हैं? कहते हैं बहुत सौभाग्यशाली इंसान वो होगा जो ये परम तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में पैर रखेगा। और यहाँ पे हर एक चीज़ निःशुल्क है, फ्री है। तो हम उन लोगों के लिए क्या कहें, वो खुद समझे। ये यहाँ पे शास्त्र अनुकूल साधना बताई जाती है और तत्वदर्शी संत का पहचान तत्वदर्शी संत मिलते हैं। और उसके बावजूद हम सबसे अनुग्रह करेंगे कि ये मौका बार बार ना आने वाली है, ना ये मानव जीवन बार बार आते हैं। आप सबसे हम अनुरोध करेंगे कि एक बार कम से कम आके तो देख लीजिए कि ये चीज़ क्या है, एक बार ज्ञान तो समझ लीजिए, फिर आप खुद कहिएगा मेरे ही तरह कि ऐसा मैंने कहीं नहीं देखा, और आप भी कहिएगा कि मुझे भगवान का मार्ग मिल गया। अभी हम आश्रम के अंदर एंट्री कर चुके हैं, जैसे कि दर्शकों आप देख सकते हैं ठीक हमारे पीछे यहाँ पर आश्रम है, जो कि यहाँ पर पंडाल है, और यहाँ पर राइट साइड में जो है कुछ यहाँ पर प्रदर्शनी का यहाँ पर तस्वीरें यहाँ पर लगा हुआ है। जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं कि राइट साइड में यहाँ पर जूता घर है, जो भी श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं जूता चप्पल यहाँ पर रखते हैं। अभी हम पहुँच चुके हैं भंडार घर की तरफ। जैसे कि दर्शकों आप देख रहे हैं, यहाँ पर एक भीड़ भड़ा का माहौल देखने को मिल रहा है, जो कि यहाँ पर महिलाओं की व्यवस्था जो है भंडार घर की अलग कर रखे हैं, और यहाँ पर जो है पुरुषों की व्यवस्था अलग है। जैसे कि दर्शकों आप देख रहे हैं कि कितने भीड़ यहाँ पर लगी हुई है, और एकदम शांतिपूर्वक, जो कि इतना भीड़ है फिर भी यहाँ पर शांतिपूर्वक भंडारा कर रहे हैं। तो हम जानने का प्रयास करेंगे किस तरह से यहाँ पर व्यवस्था किए हुए हैं, किस तरह से भंडारा कर रहे हैं, सारे कवरेज आगे चलकर हम दिखाने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर पुरुष जो है एक अच्छे लाइन लगाकर यहाँ पर भंडारा कर रहे हैं, जो कि यहाँ पर अब एंट्री कर रहे हैं भंडारे घर की तरफ, जो कि यहाँ पर देख रहे हैं सभी सेवादार जो है बर्तन देने के लिए लाइन लगी हुई है, और यहाँ पर देख रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर लाइन लगी हुई है। जैसे कि बर्तन देख रहे हैं बहुत ही अच्छा है, और सभी जो है जो भी भंडारा लेने के लिए आ रहे हैं यहाँ पर सभी सेवादार जो है सेवा में तत्पर हैं, और सारी व्यवस्था दी जा रही है। जैसे कि देख रहे हैं जैसे ही यहाँ पर भंडारा ग्रहण करने के लिए आ रहे हैं, जैसे भंडार घर के पास, तो बर्तन लेकर हाथ में खड़े हैं, और जैसे ही भंडारा लेने के लिए आते हैं तो उसके हाथों में बर्तन देते हैं और लाइन में लगने के लिए बोलते हैं यहाँ पर भंडारा करने के लिए। जैसे कि देख रहे हैं कि बहुत ही संख्या में यहाँ पर बर्तन स्टोर कर रखे हैं, और यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरह से व्यवस्था किए हुए हैं।
नमस्कार जी। नमस्कार जी, नमस्कार। यहाँ पर किस तरह से आप सेवा कर रहे हैं? जी हम ये गरीबदास की पाठ प्रकाश का भंडारा चल रहा है, इसलिए हम सेवा कर रहे हैं। जी जी, आप क्या चीज़ की सेवा कर रहे हैं? ये पूरी का सेवा है, पूरी पूरी फुलका राम का सेवा है। जो भी यहाँ पर सेवादार सेवा के लिए यहाँ पर भंडारा खिला रहे हैं तो उनको आप पूरी दे रहे हैं, है ना जी? हाँ जी, हम पूरी दे रहे हैं। अभी तक आप कितना यहाँ पर भंडारा कर चुके होंगे, कुछ जानकारी है आपके पास? ये सुबह 8 बजे से शाम को 12 बजे तक ये 3 दिन कंटिन्यू चलेगा। यानी कि ये खुला भंडारा है जी? भंडारा जी, हाँ जी, खुला भंडारा है। अभी हम जानने का प्रयास करेंगे यहाँ पर जो भंडारा ग्रहण कर रहे हैं तो किस तरह से भंडारा ग्रहण कर रहे हैं और कैसा लग रहा है, सारी जानकारी हम लेते हैं। नमस्कार सर। सत्साहेब, आप कहाँ से आए हैं सर? वेस्ट बंगाल से। यहाँ पर जो भंडारा ग्रहण करने के लिए आए हैं, कैसा लग रहा है भंडारा करके? बहुत अच्छा लग रहा है, शुद्ध देसी घी की बनी हुई है, है ना, बहुत स्वादिष्ट है। घर से भी ज़्यादा यहाँ हम लोग भोजन कर रहे हैं, भंडारा कर रहे हैं। धन्यवाद जी। सत्साहेब, अभी हम पहुंच चुके हैं महिलाओं के यहाँ पर भंडार घर पर। जैसे कि देख रहे हैं यहाँ पर महिलाएं भी यहाँ पर भंडारा ग्रहण कर रहे हैं और यहाँ पर देख रहे हैं कि एक लाइन से सभी भंडारा ग्रहण कर रहे हैं। जैसे कि आप देखें व्यवस्था, जिस तरह से पुरुषों के पंडाल में जो भंडार घर है वहाँ पर जो व्यवस्था थी, उसी तरीके से यहाँ पर महिलाओं की भी व्यवस्था की गई है। अभी हम पहुंच चुके हैं चार्जिंग स्थल के पास। यहाँ पर देख रहे हैं दर्शकों, यहाँ पर लंबी लाइन लगी हुई है चार्जिंग करने के लिए। जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं जो व्यवस्था है, यहाँ पर महिलाओं की जो है लाइन अलग है और पुरुष की लाइन अलग है। यहाँ पर चार्जिंग का जो है व्यवस्था, महिलाओं की अलग व्यवस्था है, पुरुषों की व्यवस्था अलग है। इस तरह से लंबे लंबे लाइन लगे हुए हैं मोबाइल चार्ज करने के लिए। अभी हम पहुंच चुके हैं जूता घर के पास। यहाँ पर देख रहे हैं कि बैनर में लिखा हुआ है जूता घर, और यहाँ पर देख रहे हैं कि बड़े बड़े यहाँ पर थैले भी लगाए गए हैं और यहाँ पर जूता चप्पल जो रख रहे हैं। तो यहाँ पर किस प्रकार का यहाँ पर व्यवस्था किए हुए हैं, हम जानने का प्रयास करेंगे। नमस्कार जी। हाँ जी सर जी, यहाँ पर जो आप व्यवस्था किए हैं जूता चप्पल का, किस तरह से आप व्यवस्था किए हैं जी? ये हमारे परम पूज्य तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में ये आपको 3 दिवसीय गरीबदास जी के बोध दिवस के उपलक्ष्य में कार्यक्रम चल रहा है। यहाँ हजारों हजारों श्रद्धालु लोग आ रहे हैं, उनके यहाँ जूता चप्पल रखने की व्यवस्था किया गया है। हम लोग श्रद्धालु का जूता चप्पल थैला में रखते हैं और थैला का एक टोकन होता है, वो टोकन उनको दिया जाता है। आपसी जाने समय में वो टोकन देते हैं और उनको चप्पल जूता आपस मिल जाता है। जी, अभी तक यहाँ पर कितने व्यवस्था आप किए हुए हैं, कितने श्रद्धालु आएंगे यहाँ पर स्टोर रख सकते हैं जूता? यहाँ पर क्या है कि 50,000 से ऊपर है, 50,000 से ऊपर है, आते रहते हैं लोग और जाते रहते हैं लोग। अभी हम पहुंच चुके हैं आश्रम के प्रदर्शनी स्थल पर। जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं बहुत ही बड़े बड़े बैनर लगाए हुए हैं और कुछ बगल में जो है प्रदर्शनी स्थल के बगल में कुछ यहाँ पर बैनर भी है जो कि कबीर साहब जी का तस्वीरें हैं और संत रामपाल जी महाराज जी का तस्वीर है। और यहाँ पर देख रहे हैं लेफ्ट साइड में जो है ब्रह्मा विष्णु महेश का भी तस्वीर है, लेकिन कुछ यहाँ पर अचंभित सा लग रहा है। जैसे कि कुछ जगत का लोगों का कहना है कि ब्रह्मा विष्णु महेश का भक्ति छुड़वाते हैं संत रामपाल जी महाराज, इसके पीछे क्या राज है, और कुछ ऐसे भी हैं कि विरोध भी करते हैं, और कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो कि संत रामपाल जी महाराज जी का जो भक्ति है उससे गुस्सा भी होते हैं, विरोध भी करते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है फोटो देखने को नज़ारा मिल रहा है ब्रह्मा विष्णु महेश का, तो इसके पीछे क्या राज है हम जानने का कोशिश करेंगे। यहाँ पर कुछ वाणी है तो इसके विषय में हमें विस्तार से समझने का कोशिश करेंगे। नमस्कार सर। जी नमस्कार सर, यहाँ पर कुछ वाणी लिखा हुआ है और यहाँ पर तस्वीरें भी है ब्रह्मा विष्णु महेश का, तो इसके विषय में कुछ जानकारी दीजिए। जो आप ये फोटो देख रहे हो इस पे क्लियरली लिखा है संत रामपाल जी महाराज की वाणी है, तीनों देवा कमल बस है ब्रह्मा विष्णु महेश, प्रथम इनकी वंदना फिर सदगुरु उपदेश।
तो इसे संत रामपाल जी महाराज क्लियर करते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश की हम भक्ति नहीं चटवाते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीन, ये जो 21 ब्रह्मांड है, पृथ्वी लोक है, ये लोक इनका है, तो इनका ऋण तो देना ही पड़ेगा। तो ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति न चटवा करके जो शास्त्र के अनुकूल भक्ति है वो संत रामपाल जी महाराज बताते हैं। अभी हम पहुँच चुके हैं भंडार घर में। यहाँ पे दर्शकों देख रहे हैं कि यहाँ पर कितने संख्या में यहाँ पर जो है सेवादार लगे हुए हैं, जो कि भंडारा बनाने की तैयारी कर रहे हैं। जैसे कि दर्शकों देख रहे हैं राइट साइड में यहाँ पर कुछ माताएं बहनों जो है यहाँ पर पूरियाँ बेल रहे हैं, बेल रही है पूरी, और यहाँ पर देख रहे हैं कि किस तरह से अपने अपने सेवा में लगे हुए हैं। जैसे कि लेफ्ट साइड में देख सकते हैं यहाँ पर सब्जी माता एवं बहनें काट रही है, और यहाँ पर बहुत सारे संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु जो है, यहाँ पर सेवादार सब जो है यहाँ पर अपने सेवा में लगे हुए हैं। जैसे कि दर्शकों यहाँ पर देख रहे हैं बड़े बड़े यहाँ पर जो है कढ़ाइयों में जो है सब्जियाँ बना रहे हैं, और इतने बड़े कढ़ाई जो है कि बहुत ही संख्या में यहाँ पर सब्जी बन रही है, और यहाँ पर देख रहे हैं सभी सेवादार अपने अपने सेवा में लगे हुए हैं, और यहाँ पर देख रहे हैं कि सब्जी कट के और भी बाकी है सब्जी बनना, तो इस तरह से लाइन में लगाए हुए हैं सब्जी बनाने के लिए। अभी हम पहुंच चुके हैं दरबार साहिब के पास। यहाँ पर जो देख रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में संत गरीबदास जी महाराज जी के बोध दिवस के उपलक्ष में गरीबदास जी महाराज जी का अखंड पाठ हो रहा है। तो हमें यहाँ पर जानने का प्रयास करेंगे यहाँ पर किस तरह से व्यवस्था किए हुए हैं, हम जानने का कोशिश करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार जी। यहाँ पर क्या हो रहा है सर? यहाँ पर पूर्ण ब्रह्म कबीर साहिब और उनके स्वरूप जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में आदरणीय संत गरीबदास महाराज जी का बौद्ध दिवस मनाया जा रहा है, उसमें एक अखंड पाठ और अखंड भंडारा चला हुआ है। इस पाठ पढ़ने से क्या होता है सर? इस ये पाठ में 24,000 वाणियाँ हैं जो अखंड चलती हैं, पाठ ही पढ़ते रहते हैं, बदलते रहते हैं, और ये 48 घंटे में पूरा होता है। इसमें सृष्टि से उत्पत्ति से लेकर और प्रलय तक का सारा विवरण दिया होता है, भी सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई, इसमें रहा कैसे जाता है, और मोक्ष कैसे होता है, और मोक्ष पाने की सारी विधि जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल महाराज जी ने भक्तों को समझाई है। तो ये पाठ कौन कौन कर सकते हैं? इस पाठ को कोई भी कर सकता है जो संत रामपाल महाराज जी के शिष्य हैं, जुड़े हुए हैं। पाठी जिसको पाठ पढ़ना आता है, इसमें पंचमेल भाषा में ये लिखा हुआ होता है, इसमें सभी तरह की भाषाओं का मिश्रण है थोड़ा सा, जिसका अभ्यास ठीक है वो कोई भी पाठी जो संत रामपाल महाराज जी के बताए नियम मर्यादा में रहता है वो पढ़ सकता है। तो आप संत गरीबदास जी महाराज जी के विषय में क्या बोल सकते हैं? संत रामपाल महाराज जी पूर्ण ब्रह्म कबीर साहिब के ही स्वरूप 1717 में गांव छुड़ाणी जिला झज्जर हरियाणा इंडिया में प्रकट हुए थे, और सन 1727 यानी कि 10 वर्ष बाद पूर्ण ब्रह्म कबीर साहिब छुड़ाणी के अंदर गरीबदास महाराज बच्चे रूप में थे, तब इनको आगे मिले थे। वो यहां से उनकी आत्मा को सतलोक लेके गए थे, सृष्टि उत्पत्ति से लेकर सारा विवरण दिखाया, सारे ब्रह्मांड दिखाए, ब्रह्म दिखाया, पार ब्रह्म दिखाया, और पूर्ण ब्रह्म अपना सतलोक का जो स्वरूप से वो दिखाया। उसके बाद उनके शरीर को वापस छोड़ दिया। वापस आने के बाद वो 3 साल बाद एक दादू पंथी महात्मा थे, उन्होंने इसे गरीबदास महाराज बोलते गए और उन्होंने इसको लिखित में किया और इस सतग्रंथ साहब की रचना हुई। बहुत बहुत धन्यवाद सर।